और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। इस वक्त की बड़ी और खास खबर आ रही है शाहपुरा से। जयपुर जिला ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन हाईवे के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नेशनल हाईवे पर संगीन वारदातों को अंजाम देने वाली अंतर्राज्यीय कुख्यात धर्मा सुल्तान गैंग के 8 छात्र बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास एक पिस्टल, 2 देशी कट्टे, 16 जिंदा कारतूस, चाकू और धारदार हथियार, लोहे की चैन, 4 बाइक और 9 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस के हत्थे छड़े गैंग के छात्र बदमाश ने 29 जनवरी को कोटपुतली थाना इलाके में हाईवे पर चालक की हत्या कर एक स्विफ्ट कार लूटने की वारदात भी कबूली है। जयपुर ग्रामीण के एसपी शंकर दास शर्मा ने बताया कि कुख्यात धर्मा सुल्तान गैंग को पकड़ने के लिए शाहपुरा, विराटनगर और कोटपुतली थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। एसपी के मुताबिक शाहपुरा पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट नगर में एक सुनसान स्थान पर कुछ बदमाश पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे हैं, इसके पास हथियार हो सकते हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने बदमाशों को चारों ओर से घेर दबोच लिया। बदमाशों के पास से हथियार और चोरी की बाइक और अन्य औजार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धर्मा पाल उर्फ धर्मा सुल्तान उर्फ श्रवण सिंह, गजेंद्र उर्फ गज्जी, धर्मेंद्र उर्फ चप्पू, तेजपाल उर्फ तेजा, वीरेंद्र उर्फ बिरजू, महेंद्र कुमार और कालू राम गुजर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा हाईवे पर लूट, डकैती और हत्या जैसी अनेक संगीन वारदातों को अंजाम दिया गया था। इसके बारे में भी आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इन्होंने क्या क्या वारदातें और कर रखी है, जैसे अभी तक जो जानकारी में आया है उसके मुताबिक जो गैंग लीडर धर्मा पंडित, उसके खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज है और सभी गंभीर अपराध प्रकरण दर्ज है। बाकी लूट की 2 वारदातें जो हमारे एरिया में हुई है वो है धारूवाड़ा में लूट की है वो सामने, तो इसके अतिरिक्त उन्होंने कितनी वारदात और की है अभी पूछताछ करेंगे, रिमांड कर लेंगे तब ये और पता लेंगे। धर्मा पंडित मूलतः कहाँ का रहने वाला है? ये मूलतः लेट का वास है, शाहपुरा में वहाँ का रहने वाला है ये। और फायरिंग के प्रकरण में जो 18-19 के अंदर इसने किया था उसमें ये जेल में बंद था, अभी दिसंबर में इसकी बेल हुई। जिला ग्रामीण के द्वारा ऑपरेशन हाईवे के तहत उन्हें आज एक 34वीं बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें अंतर्राज्यीय लूट और डकैती और वाहन चोरी के गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग में कुल 8 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से एक अवैध पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 16 जिंदा कारतूस, चाकू, धारदार हथियार, लोहे की चैन, 2 अपाची बाइक जो लूटी हुई है, 1 होंडा साइन गाड़ी, 1 स्प्लेंडर प्लस सहित 4 मोटरसाइकिलें और 8 मोबाइल जब्त किए हैं। इसका घटनाक्रम विस्तार से मैं बता दूँ आपको कि कल हमारे सुभाष कांस्टेबल ने उसको थाना शाहपुरा में और थानाधिकारी महेंद्र सिंह को सूचना मिली कि 8-10 व्यक्ति थाना शाहपुरा एरिया में ट्रांसपोर्ट नगर में कोई सुनसान जगह है वहाँ पर किसी पेट्रोल को लूटने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर थानाधिकारी महेंद्र सिंह, सुभाष कांस्टेबल और बाकी जो टीम है वो पहुँची वहाँ पर। पहुँच के इन सभी 8 जो लोग उपस्थित थे उनको धर दबोचा और उनके कब्जे से ये हथियार और ये वाहन बरामद किए। कल रात को आज बड़ी पूछताछ की गई, पूछताछ करने पे ये सामने आया कि इस गैंग में 2 सदस्य तो हरियाणा के रहने वाले हैं और बाकी जो 6 लोग हैं वो शाहपुरा रात में छुपे हैं। पिछले कुछ दिनों से थाना कोटपुतली में भी एक मर्डर हुआ था, जो टैक्सी चालक था, राजकुमार नाम का व्यक्ति था। वो मर्डर 29 जनवरी को हुआ था। उसमें स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, गाड़ी जो चालक था उसका मर्डर किया गया था, गाड़ी लूटी गई थी। उसके पश्चात जो सेकेंड वारदात हमारे एरिया में हुई थी वो 8 फरवरी को थाना विराटनगर एरिया के अंदर पेट्रोल पंप लूटा गया था। लूटने का प्रयास था, लाइट जाने की वजह से लूट नहीं हो पाई। 3 दिनांक 12 फरवरी को
थाना शाहपुरा एरिया में ही एक ब्रेजा गाड़ी लूटी गई। ये तीन बड़ी वारदातें जो हमारे एरिया में हुई थी, तो हमारी विशेष टीम भरतलाल जी मीणा, एडिशनल एस पी कोटपुतली, सीओ शाहपुरा नेहा अग्रवाल और एसएचओ शाहपुरा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया। ये लोग प्रयासरत थे, प्रयास कर रहे थे पूरा, और इसी दौरान आज सूचना कलेक्शन और हमारी जो इंटरेस्ट टीम थी उसमें ये पता लगा कि ये जो गैंग है ये वारदात कर सकती है। इनसे पूछताछ की जा रही है। पूर्व में भी इस गैंग ने कई जगह लूट, मर्डर, वाहन चोरी की वारदातें कर रखी। इस जो गैंग है, इस गैंग का जो चीफ है वो धर्मा पंडित है। ये धर्मा पंडित रहने वाला है शाहपुरा एरिया का, और इसकी जो दोस्ती है वो हरियाणा के दो लोग हैं, गजेंद्र उर्फ गज्जी उर्फ कालू जो धारूहड़ा के रहने वाले हैं। वो 5 वर्षों से शाहपुरा में ही रहकर काम कर रहा है। इसका दूसरा साथी है धर्मेंद्र उर्फ चक्कू, वो भी धारूहड़ा का रहने वाला है, लेकिन पिछले 1 माह से वो शाहपुरा शहर के अंदर एक कमरा किराए पर लेकर रहता है। ये दोनों मास्टरमाइंड है गजेंद्र और धर्मेंद्र, जो हरियाणा का रहने वाले जो काम कर रहे हैं, और इनका चीफ है धर्मा पंडित जो अभी दिसंबर में ही जेल से छूटा है। और जो जेल से जो छूटा है जिस आरोप में ये बंद था, वो आरोप ये था कि प्रतापगढ़ में इन्होंने लूट की थी अलवर में, और मनोहरपुर के अंदर इन्होंने पुलिस से फायरिंग की थी, उस केस में ये बंद था। दिसंबर में छूटा, छूटने के बाद में ये गैंग ने पूरा एक टीम लीडर बन के, उसका गैंग का लीडर बन के, और कई वारदातें ये करवाने का प्रयास कर रहा था, कुछ वारदातें करवाई भी। जयपुर ग्रामीण पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता पुनः हुई है, और उसके लिए मैं मेरी टीम भरतलाल जी मीणा, नेहा, सुभाष कांस्टेबल और महेंद्र चौधरी उनको रिवार्ड भी दे रहा हूँ, सम्मानित भी कर रहा हूँ, उनको प्रोत्साहित भी करता हूँ कि पुनः ग्रामीण पुलिस को बहुत सफलता मिली। ये गैंग बहुत साथी रहे, हरियाणा, राजस्थान, कोटपुतली, शाहपुरा और इस एरिया में एक्टिव है। ये गाड़ियाँ डिमांड के आधार पर लूटते हैं, और मॉडस ऑपरेंडी क्या इनका कि जो वारदात 29 तारीख को हुई थी, उस वारदात के अंदर ये शाहपुरा से उस टैक्सी को रुका के बैठे, और कोटपुतली के आगे टोल से पहले उन्होंने अपने मफलर से उस कैब चालक था, टैक्सी चालक था राजकुमार, उसका ग्लास घोट के मारा, मार के उसको वापस बनियाला के पास में पटका, पटक के गाड़ी को लेके और हरियाणा चले गए, और हरियाणा जाके रात को वापस वहाँ से आए हैं। आके और जहाँ गाड़ी डिस्पोज ऑफ करनी थी, धर्मा पंडित को उन्होंने गाड़ी सुपर्द की, और आगे उसने गाड़ी 1.5 लाख में सौदा दी। 70,000 रुपये लोग ले चुके थे, उन 70,000 में से ये लोग मथुरा गए, वहाँ जाके इन्होंने हथियार खरीदे, और पुनः आके और पेट्रोल पंप लूट की वारदात की उन्होंने विराटनगर। उसके बाद में 12 फरवरी को इन्होंने थाना शाहपुरा एरिया में ही गन पॉइंट पर एक ब्रेजा गाड़ी लूटी। उसमें जो अपाची काम में ली गई गाड़ी, अपाची भी इन्होंने धारूहड़ा में लूटी थी, वहां से लूट के और थाना साहपुरा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे सत्यमेव न्यूज़। नमस्कार।